ये फ्रॉम 2019 में स्कूल ओपन हुआ था, ठीक है, 2019 से लेकर के 2024 ये चल रहा है, ये हमारा पांचवा साल है, अपार्ट फ्रॉम अगर कोविड को छोड़ दिया जाए तो तीसरा सेशन है हमारा। इसमें हमने स्ट्रेंथ के सेवन, अगर मान लीजिए कि स्ट्रेंथ का जितना भी हमारा फाइनल स्ट्रेंथ होता है उसमें 10% जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमारा 70 का स्ट्रेंथ है, अभी इसमें जो 10-7 बच्चे हैं, 10% ये शुरू से ही हमने ये एक बना करके रखा था कि 10% जो भी बच्चे होंगे जो पुअर या वीकर सेक्शन के होंगे, जिनके पास ये शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा देने के लिए उनके पेरेंट्स ये ने सलाहियत नहीं है, हाँ ठीक है, वो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनके लिए हमने बुक से लेकर के कॉपी फ्री सारी चीज़ें, इनफैक्ट अगर उनका जो भी करिकुलम होता है एनुअल फंक्शंस में होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग स्कूल ही बियर करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं डे वाइज एक्टिविटी पर, देखिए आज के डेट में एक्टिविटी वाइज लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम लोग का डे वाइज एक्टिविटी भी है, योगा सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, राइटिंग, आज के डेट में राइटिंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लासेस हम लोग उनको राइटिंग का भी एक एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी होगा, म्यूज़िक है, डांस है, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने सिलेबस में ही इस तरीके से बनाया है ताकि वो सिलेबस में ही आ जाए। 10% बच्चे को आप फ्री पढ़ाना है, हाँ, ये मैं अभी आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा और ये शुरू से है फ्रॉम डे वन। अभी 70 बच्चे, मोटा मोटा 7 बच्चे को फ्री पे एवरीथिंग, पूरा एजुकेशन फ्री, हाँ, बुक से लेकर के यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, मंथली फी, सारी चीज़ें वो फ्री है। चलिए एडमिशन का क्या कहना चाहेंगे लोगों को, मेरे चैनल के माध्यम से एडमिशन का टाइम है थोड़ा, अभी जो है उसको बंद कर दीजिए ना हर्ष, एडमिशन अभी फ्री चल रहा है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ अभी जो है आपको जो हमारा जो किट्स है सिर्फ उसी का आपको पे करना है, अदर अभी कुछ भी पेमेंट पे आपको नहीं करना है, ठीक है। और अभी जो एडमिशन्स के लिए अगर अभी पेरेंट्स अप्रोच करते हैं तो फ्रॉम इस साल से जो है हमने एक बच्चों के लिए एक टैब का भी व्यवस्था करी है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी विल बी प्रोवाइडिंग देम अ स्मॉल टैब, और उसमें वो टैब जो जनरल टैब होता है वो नहीं है, वो एक जॉयस्टिक की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें वो शेप्स ड्रॉ करेंगे, अगर मान लीजिए वो एक पेन ड्रॉ करते हैं तो पेन विल बी, अगर वो पेन ड्रॉ करते हैं तो उसमें कलर का ऑप्शन आएगा तो दे कैन फील दैट। उसके बाद अगर स्क्रॉल करेंगे तो अगर उनको जो भी चीज़ें बनानी है वो जॉयस्टिक के माध्यम से वो बना सकते हैं, तो ये हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन अभी हम लोग फ्री में देंगे। अभी जो करेंट सिनेरियो को अगर शिक्षा की पद्धति को जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशंस हैं स्कूल में भी, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स हैं, हर तरह के सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, कोई टेक्निकल हो गया है, साउंड हो गया है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हायर एजुकेशन में भी वो भी बहुत सारे स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, तो उसी तरीके से जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं आपके प्री प्राइमरी टू स्टैंडर्ड 5 तक के लिए, तो हमने उनको अपने स्कूल में रखा है। जैसे मान के लीजिए कि जो बेसिक्स लर्निंग है, ठीक है, तो आपका स्मार्ट क्लासेस नहीं है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस प्री प्राइमरी टू स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ उसके लिए हम लोगों ने एक स्मार्ट टीवी रखा है जिसमें से वो ऑडियो और विजुअल दोनों देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दे रखा है छोटे छोटे जैसे कलर हैंड शेप्स है, बच्चों को फ्लावर्स फ्रूट्स बनाने हैं, फिजिकल तैयारी भी आप फिजिकल तैयारी भी होती है, जिसमें मान लीजिए कि अगर बच्चों को हमें फ्लावर्स दिखाना है, ठीक है, अगर एक फॉर एग्जांपल एक रोज़ फ्लावर है तो रोज़ का हमारे पास कटआउट है, सो दैट द चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ अ फ्लावर रोज़, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे उनको कलर्स के बारे में समझाना है तो सेम कलर का, अगर मान लीजिए कि रोज़ का कलर पिंक है, ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडिंग देम एज अ शो पीस विथ पिंक कलर रोज। आपके स्कूल में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है और क्या क्या खास है, यहाँ पे एजुकेशन का भी कंपटीशन देखा जा रहा है इस तरह के, क्या क्या है लेकिन बच्चे लोग में क्या क्या होते हैं यहाँ? प्ले टू फाइव है, प्ले टू फाइव तक है यहाँ हमारे यहाँ स्कूल, और इसमें हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जो बच्चों को, मतलब पेरेंट्स लाइव देख सकते हैं,
अच्छा, पढ़ाई को अपने पेरेंट्स को लाइव देख सकते हैं। जब तक बच्चे हमारे पास हैं तब तक पेरेंट्स वो लाइव देख सकते हैं। क्या टाइमिंग है? 9:30 से 1 बजे तक। कितना क्लास है यहाँ पे? क्लास प्ले टू फाइव है सर। प्ले टू फाइव। कितने बच्चे अभी यहाँ पे आप लोग बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं? अभी प्ले से लेकर 1 तक हैं बच्चे हमारे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 70 है ना। अच्छा, वो पूछ रहा है कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई टोटल होता है कि एवरेज है? 70 प्लस है।